अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोग को दिखाएंगे बेडशीट डिज़ाइन की स्टिचिंग करना। कटिंग हमने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग देख सकें हमारी हर नई वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, कटिंग तो हमने बहुत पहले ही अपलोड कर दिया, स्टिचिंग हम नहीं दिखा पाएँ आप लोग को, आप दिखा रहे हैं। हम इसलिए आप लोग को नहीं दिखा पाए क्योंकि हमारे फादर इन लॉ एक्सपायर हो चुके हैं, इसी वजह से हमें समय नहीं मिल पाया। तो हम आप लोग को स्टिचिंग अब दिखा रहे हैं, आप लोग को बहुत ही इंतज़ार करना पड़ा होगा, इसके लिए आई एम सॉरी। तो दोस्तों, जो कटिंग जो पीसेज है बेडशीट में कितना लगाना है, हमने कटिंग में बताया आप लोग को। तो हम सिर्फ इसमें एक ही पीस, मतलब एक ही पीस के लिए निकालेंगे पीस की डिज़ाइन के लिए, तो और हम एक ही डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, पहले हम पीसेस को अलग करेंगे और एक डिज़ाइन के लिए पीसेस को, सभी पीसेस को निकाल लेंगे इस तरीके से। तो हमने एक डिज़ाइन के लिए पीस को निकाल लिया है और बचे हुए पीस हम किनारे रख देंगे और एक ही डिज़ाइन बनाएंगे, हम दिखाएंगे आप लोग को स्टिचिंग करके। तो आप लोग को बता दें, जो हमारा बड़ा वाला पीस है, एक पीस चाहिए, ये चार पीस हमें चाहिए, ये कटा हुआ आठ पीस और ये भी कटा हुआ आठ पीस, और खड़े में हमें चार पीस चाहिए। तो इस तरीके से हम पीसेस को ले लेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सिलेंगे इसे किस तरीके से, तो हमारा जो कटा हुआ पीस है दोनों कलर, और जो हमारा नीला वाला और पीला वाला है, तो इस तरीके से दोनों को लेंगे और सिलाई कर देंगे इस तरीके से। तो हमें इस तरीके से आपस में ज्वाइंट करना है, आप लोग देख सकते हैं, एक एक पीस लेना है हमें दोनों कलर में से, दोनों रंगों में से एक एक पीस लेना है और उसे सिलाई करते जाना है हमें। इसी तरीके से सभी पीसेस को हमें सिलना है। तो आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से हमने इसे सिला है, खोल के दिखा दे रहे हैं आप लोग को इस तरीके से। देखिए, आपस में दोनों कलर को ज्वाइंट करना है और इसी तरीके से पूरे पीसेस को हमें सिल लेना है। तो इसी तरीके से हमने पूरे पीसेस को सिल लिया है, आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से हम अलग कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें सभी पीसेस को ज्वाइंट करना है। तो सिर्फ हम आप लोग को एक ही पीस दिखाएंगे, एक ही डिज़ाइन बना के, और आप लोग इस तरीके से पूरे पीसेस को, पूरे डिज़ाइन को बना लेना। तो आप लोग देख सकते हैं, हमने इसी तरीके से ज्वाइंट कर लिया और हम दो पीस लेंगे, इस तरीके से रखेंगे, ये देख सकते हैं आप, और बीचों बीच से हम सिलाई कर लेंगे। जो हमारा पीला वाला है, तो इस तरीके से आपस में मिलाएँगे और हमें ज्वाइंट कर लेना है। इस तरीके से हम पकड़ेंगे और सिलाई को नीचे तक लाएंगे, और जो हमारी ज्वाइंट है उसे हमें ऊपर रखना है, नीचे नहीं निकालना है, ज्वाइंट को ऊपर ही करना, नीचे नहीं निकालना है, और इस तरीके से हमें सिलाई को लगा लेना है। तो इस तरीके से हम खोलेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी ज्वाइंट हो चुकी है दो पीस की। तो इस तरीके से हमें इसी पीसेस को भी खोलना है, और इसे जो हमारा पीला वाला है येलो, तो इसी तरीके से हमें सिल लेना है, सिलाई कर लेना है। और हमें काट के अलग कर लेना है पीसेस को। तो हमारा चार पीस हो गया, आप लोग देख सकते हैं, चार पीस हमने सिल लिया है। तो इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है, उसके बाद हम बड़ा वाला पीस जो हमारा चार कोन का है उसे लेना है, और हमें किनारे किनारे पे पीसेस को लगाना है। तो पहले हम एक तरफ लगाएंगे, जो हमने ज्वाइंट कर लिया है पट्टी को, डिज़ाइन को, उसको रखना है, और इस तरीके से हमें सिलाई कर लेना है। जो हमारा जो चार कोन का पीस है बड़ा वाला, उसे नीचे रखना है, डिज़ाइन को ऊपर रखना है, इस तरीके से हमें ज्वाइंट कर लेना है। एक तरफ हमारा ज्वाइंट हो चुका है, अब दूसरी तरफ हम ज्वाइंट करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले ज्वाइंट किया। तो देख सकते हैं आप लोग, इसी तरीके से हमें सिलाई लगाना है। तो आप अच्छी तरीके से पीसेस को पकड़ें, अच्छी तरीके से बराबर से रखें, और उसके बाद सिलाई को लगाएँ आराम आराम से, तभी आपकी डिज़ाइन अच्छी बनेगी। तो देख सकते हैं आप लोग, हमने दोनों तरफ लगा लिया, अभी दो तरफ बाकी है, इधर और उधर। तो हम दोनों तरफ लगा के दिखा दे रहे हैं आप लोग को। तो जो हमारा जो पीला वाला हमारा जो पीस है उसे हम लेंगे एक, और जो डिज़ाइन भी हमने ज्वाइंट किया है उसे किनारे किनारे एक एक पीस लगाना है हमें। येलो वाला पीस जो हमने चारकोन रखा है उसे पकड़ना है, इस तरीके से सिलना है डिज़ाइन पे, हमें जो ज्वाइंट कर लिया हमने डिज़ाइन को उस पर रखना है किनारे किनारे पर, और सिलाई को लगा देना है। तो एक पट्टी में हम दो दो पीस लगाएंगे, तो हमारा चार पीस हो जाएगा। तो एक पीस में तो हमारा लग चुका दो, और हमारा इसमें लगेगा दो किनारे किनारे पे। तो आप लोग ज़रूर समझ रहे होंगे कि हमें किस तरीके से लगाना है, डिज़ाइन को बनाना है। तो देखते रहिए आप लोग।
तो हमने इसमें भी लगा लिया है, दो हमारा हो गया दो पीस। तो हम जो किनारे किनारे पे हमने नहीं लगाया है, उस दोनों तरफ लगाना है, तो दे सकते हैं आप लोग। जो हमारा नीला वाला डिज़ाइन है नीले पे ही लगाना है, और जो जॉइंट है जॉइंट पे मिलाना है। अच्छी तरीके से सिलते वक्त जॉइंट को जॉइंट पे ही रखें, तभी अच्छी बनेगी डिज़ाइन, फिनिशिंग आएगी, खूबसूरत दिखेगी। और अच्छी तरीके से बराबर से रखें और जॉइंट पे जॉइंट को मिलाएं। किसी तरीके से अगर आपका कोई पीस छोटा पड़ रहा है तो उसे खींच के डिज़ाइन उस खींचने और उसके बाद जॉइंट में मिला के सिलाई कर लें। तो इस तरीके से हमें अच्छे तरीके से सिलाई को लेना है। और एक तरफ का हमारा देखिए आप लोग हो चुका है, डिज़ाइन भी बन रही है और एक तरफ बाकी है, तो इसको भी हमें रखना है और हमें सिलाई कर लेना है। तो कई लोगों ने कमेंट करके कहा था कि मैम हमें सितारा वाला डिज़ाइन बताएं, तो आप लोग ज़रूर देखें ये सितारा वाला डिज़ाइन। तो देख सकते हैं आप लोग हमारी जो डिज़ाइन है सितारा, वो बिल्कुल बन चुकी है स्टार, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो इसे सिलने के बाद हमें इसी तरीके से जो हमने पीसेस कट के रख लिए, हमने सभी पीसेस को ज्वाइंट करना, इसी तरीके से सभी पीसेस को बनाना। हमें 15 पीस चाहिए, बनने के बाद हम 15 पीस लगाएंगे बेड शीट में। तो इसी तरीके से हमें सभी ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि किस तरीके से हमें पीसेस को आपस में जोड़ना है, किस तरीके से बेड शीट को तैयार करना है। तो देखते रहिए आगे आप लोग। तो देख सकते हैं आप लोग हमने सभी पीसेस को सिल लिया है, अच्छी तरीके से ज्वाइंट कर लिया। हमें 15 पीस हमने ज्वाइंट कर लिया है, तो 15 पीस हमें बेडशीट में लगाना है। तो 15 पीस हमने ज्वाइंट कर लिया है और उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे किस तरीके से हमें पट्टी को रख के आपस में पट्टियों में लगाना है और ज्वाइंट करना है। तो हम एक पीस लेंगे, तो हमने बताया था कि हम पट्टी को कट करेंगे स्टिचिंग में, तो अब आप लोग को हम बता रहे हैं। तो हमारा 12.5 इंच, आप लोग देख सकते हैं हमारी डिज़ाइन की लंबाई 12.5 इंच है, तो हम 12.5 इंच की पट्टी कट करेंगे। तो उसके बाद इसमें हम लगाएंगे। तो हमने पहले ही कट कर लिया है पट्टियों को 12.5 इंच की, आप लोग देख सकते हैं। और हमने छोटे छोटे टुकड़े भी कुछ कट किए हैं डिज़ाइन बनाने के लिए, तो आप लोग को ज़रूर बताएंगे, अब देखते रहिए आप लोग। तो पट्टी की लंबाई आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं, इसकी लंबाई है 12.5 इंच और चौड़ाई 2 इंच की है, देख सकते हैं आप लोग। तो हमने दोनों कलर को इसी तरीके से कट किया है। और जो हमारा छोटा वाला पीस है वो भी हमारा 2 इंच का है, तो हमारा दोनों तरफ 2-2 इंच का है, दोनों कलर हमने 2-2 इंच का लिया है। तो आप लोग को बता दें हमें कितना पीस चाहिए। तो हमारा जो नीला वाला है वो हमारा 44 पीस चाहिए, और पीला वाला है हमारा 22 पीस चाहिए, और जो हमारा नीला वाला छोटा टुकड़ा है वो 32 पीस चाहिए, और ये 40 पीस हमारा पीला वाला 40 पीस चाहिए। तो हमें सिर्फ इतना ही पीस चाहिए। तो इस पीसेस को किस तरीके से जोड़ना है, किस तरीके से बनाना है, तो आप लोग को हम बता दें। तो हम पहले नीले वाला लेंगे और एक पीला वाला लेंगे। तो और जो हमारा दोनों पीसेस को इस तरीके से हम आपस में ज्वाइंट कर देंगे, ब्लू और येलो दोनों कलर को इस तरीके से हमें आपस में ज्वाइंट कर देना है। जो हमारा येलो वाला है उसे हमें बीच में रखना है, और ब्लू वाला जो हमारा है किनारे किनारे पे हमें रखना है, और इस तरीके से हमें ज्वाइंट लेना है और इस तरीके से हमें पीसेस को तैयार करना है। तो हम 3-3 पट्टियों को एक एक में ज्वाइंट करना है, इस तरीके सभी पीसेस को हम जोड़ लेंगे, तो आप लोग को दिखाएंगे जोड़ने के बाद। तो आप लोग देख सकते हैं, और जो हमारा जो छोटा वाला टुकड़ा है उसको किस तरीके से जोड़ना है आप लोग को देख सकते हैं। तो हम इस तरीके से पीसेस को निकालेंगे, नीला वाला 4 पीस चाहिए और पीला वाला हमें 5 पीस चाहिए, निकाल लेंगे और ज्वाइंट करेंगे। तो एक ही पीस ज्वाइंट करके हम दिखाएंगे आप लोग को और पूरा जोड़ने के बाद दिखाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम एक पीस लेंगे दोनों में से एक पीस और इस तरीके से जोड़ेंगे। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से जोड़ेंगे और फिर दोबारा से एक पीस लेंगे, तो इस तरीके से जोड़ेंगे। तो हमारा बीच में नीला वाला होगा, किनारे किनारे पे पीला वाला होगा। तो इस तरीके से पहली पीस हमने जोड़ लिया है, फिर दूसरी पीस जोड़ेंगे, तो कि पीला वाला बीच में रखेंगे और नीला वाला हम किनारे किनारे रखेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, इसी तरीके से हमें ज्वाइंट करना है। तो दूसरी पट्टी भी हो गई, अब तीसरी वाली पहले वाली की तरह जोड़ना है, नीला वाला बीच में करना है, पीला वाला किनारे किनारे पे। तो इस तरीके से हमें ज्वाइंट को लेना है। तो देख सकते हैं आप लोग, 3 पट्टी हमने जोड़ लिया है टुकड़ों को। तो फिर पट्टियों को आपस में जोड़ना है, तो 2 पीसेस को इस तरीके से जोड़ेंगे हम। तो इस तरीके से ज्वाइंट को ज्वाइंट पे मिलाएंगे और ज्वाइंट नीचे तक लाएंगे सिलते हुए। ध्यान रखें ज्वाइंट को ज्वाइंट पे ही मिलाएं, सिलाई को सिलाई पे मिला लें और अच्छी तरीके से बीचों बीच से सिलाई ले लेंगे। और उसके बाद दोबारा से एक पट्टी लेंगे हम और
ऊपर से नीचे तक हम सिलाई लेंगे। तो इसी तरीके से सभी जो छोटे टुकड़े हैं सभी को सिलना है, तो आप लोग को दिखाएंगे पीछे क्या क्या करना है, देखते रहिए आप लोग। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, हमने एक पीस तैयार कर लिया है और इसी तरीके से सभी पीसेस को जोड़ना है और तैयार करना है। और उसके बाद इस तरीके से पट्टियों को आपस में इसे हमें जोड़ना है, किस तरीके से बनाना है, देखते रहिए आप लोग, दिखाते हैं आपको। तो इस तरीके से हमने सभी पट्टियों को जोड़ लिया है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से सभी पीसेस को हमने तीन तीन पट्टियों में जोड़ लिया है। और ये हमारा जो छोटा वाला आप लोग ने देखा, इसको भी हमने इसी तरीके से हमने जोड़ लिया है। तो हम बता दें आप लोग को कि हमें कितना पीस लेना है। हमें ये 8 पीस लेना है, ये हमारा जो चार कोन वाला, ये हमारा पट्टी है लंबी वाली, इसे हमें 22 पीस लेना है। तो इन सभी पीसेस को किस तरीके से जोड़ना है हमें, हम आप लोग को दिखाएंगे, देखते रहिए आप लोग। तो हम पहले क्या करेंगे, इन सभी को हम किनारे कर देंगे और जो हमने डिज़ाइन को ज्वाइंट कर लिया है उसमें से हम एक पीस लेंगे, देख सकते हैं आप, एक पीस लेंगे और उसके बाद हम इसे पट्टी में ज्वाइंट करेंगे। तो किस तरीके से ज्वाइंट करेंगे, इस तरीके से देखिए पट्टी को हम लगाएंगे। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि किस तरीके से हमें ज्वाइंट करना होता है, पट्टी को लगाना होता है। तो इसी तरीके से हम बताएंगे आप लोग को पूरे बेडशीट में किस तरीके से ज्वाइंट करेंगे, पट्टी को आपस में किस तरीके से जोड़ेंगे, तो देखते रहिए आप लोग। तो हम पट्टी को लेंगे इस तरीके से और डिज़ाइन पर रखेंगे और नीचे तक अच्छी तरीके से हम ज्वाइंट कर देंगे। इस तरीके से देखिए एक सिलाई हमारी हो चुकी है, तो एक डिज़ाइन और एक पट्टी लग चुकी है हमारी। तो उसके बाद हम एक डिज़ाइन और लेंगे, देखिए इस तरीके से एक और लेंगे और हम पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमें ज्वाइंट करना है। तो हम एक एक पट्टियों में तीन तीन डिज़ाइन लगाएंगे और हम दो पट्टी लगाएंगे। तो हम एक पट्टी खड़ा तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से सभी पीसेस को हम पट्टियों में तैयार करेंगे, उसके बाद ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से हमें पट्टी को लगाना है, देख सकते हैं आप। और एक पीस और लगाएंगे हम, तो हमारा तीन डिज़ाइन होगी और दो पट्टी। तो हमें एक डिज़ाइन जो हमारी लग रही है तीन तीन पीसेस की होनी चाहिए एक पट्टी। तो आप लोगों ने देखा कि हमने तीन डिज़ाइन और एक पीस और एक डिज़ाइन और एक पीस और एक डिज़ाइन हमने लगाया है। तीन डिज़ाइन दो पट्टियों को हमने लगाया है, दो तीन फ्लावर है और दो पट्टी हमारी। तो इसी तरीके से हमें पीसेस को तैयार करना है, इन सभी पट्टियों को पीसेस को सभी डिज़ाइन को तैयार कर लेना है। तो आप लोगों ने देखा इस तरीके से हमें तैयार किया। तो हम 5 पट्टियों को तैयार करेंगे, डिज़ाइन को आपस में 5 पट्टी हम तैयार करेंगे और 5 पीस तैयार करके उसके बाद इसे आपस में जोड़ेंगे। किस तरीके से फिर से दोबारा से आपस में जोड़ेंगे, तो इस तरीके से हम बताएंगे आप लोग को, देखते रहिए आप लोग। तो इन सभी पीसेस को हम किनारे रखेंगे और जो हमारा ये डिज़ाइन वाला है आपने देखा, और जो हमारी एक पट्टी है, ये जो हमारा छोटा टुकड़ा है डिज़ाइन, तो इसको इस तरीके से हम रखेंगे और अच्छे तरीके से मिलाएंगे और ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमें सिलाई को लेना है। तो देखा आप लोगों ने, इस तरीके से हमें फिर से हम एक पट्टी लेंगे और सिलाई लेंगे कर देंगे। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है, सिलाई। तो आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा दिया है इस तरीके से। फिर से दोबारा से हम एक टुकड़ा लेंगे, जो हमारा छोटा छोटा टुकड़ा वाला डिज़ाइन है, एक लेंगे और इसे सिल देंगे। और दोबारा से भी हम एक पट्टी लेंगे। तो इसको भी हमें इसी तरीके से सिलना है अच्छे तरीके से। तो आप लोग ध्यान दें, जो टुकड़ा हमारा है और जो हमारी पट्टी है, तो बराबर से जॉइंट पे जॉइंट मिलनी चाहिए, इधर उधर ना हो। तो अच्छे तरीके से देख सकते हैं आप लोग, टुकड़े में पट्टी को अच्छे तरीके से जॉइंट करें। तो हमारा जो है पट्टी हमारा 3 है और जो हमारा बीच वाला टुकड़ा है वो 2 है, चार कोन वाला। तो इसी तरीके से सभी पीसेस को हमें जॉइंट कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमें 4 पट्टी तैयार करना है, हमने 4 पट्टी तैयार कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से हमें 4 पट्टियों को तैयार कर लेना है। उसमें अब हम जो हमारी डिज़ाइन वाली पट्टी हमने ज्वाइंट करके रखा है, तो उसको हम उसमें ज्वाइंट करेंगे। तो एक हम डिज़ाइन को लेंगे, डिज़ाइन वाली जो हमारी पट्टी है और जो हमारी पट्टी है जिसमें डिज़ाइन को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से हमें देख सकते हैं टुकड़े को डिज़ाइन को बैठाना है, मिलाना है और हम सिलाई शुरू करेंगे और नीचे तक आएंगे। तो अच्छे तरीके से इसी तरीके से रखना है और हमें सिलाई कर लेना है। तो नीचे तक हम अच्छे तरीके से सिलाई करते हुए आएंगे।
अच्छे तरीके से पट्टियों में डिज़ाइन को मिलाते हुए, सिलाई को सिलाई में मिलाते हुए देख सकते हैं आप लोग, जो हमारा टुकड़ा है बिल्कुल पट्टी में अच्छे तरीके से बैठना चाहिए और जॉइंट पे ही जॉइंट को आनी चाहिए, और इसी तरीके से आराम आराम से अच्छे तरीके से हमें नीचे तक सिलाई को लेना है। तो देखते रहिए आप लोग, अच्छे तरीके से हमें सिलाई को लेना है। आप लोग भी इस तरीके से अच्छे तरीके से सिलाई को लगाएं, तभी आप लोग की डिज़ाइन अच्छी बनेगी। तो नीचे तक हमें इसी तरीके से सिलाई को लेना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि पट्टी को किस तरीके से ज्वाइंट करना होता है, तो इसी तरीके से हमें ज्वाइंट करना होता है पट्टी को डिज़ाइन में, डिज़ाइन को पट्टियों में अच्छे तरीके से ज्वाइंट करना होता है इसी तरीके से। आप लोग चाहें तो एक कलर का भी पट्टी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो एक पट्टी हमने लगा लिया है, देख सकते हैं आप इस तरीके से, और दोबारा से एक पट्टी और लगाएंगे हम। एक पट्टी और लगा के हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं और हम लगाने के बाद दिखाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पट्टी को रखना है डिज़ाइन पे और अच्छी तरीके से नीचे तक हमें आना है और हमारी बेडशीट तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से हमें ज्वाइंट लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी ज्वाइंट कि किस तरीके से हमने बेडशीट को ज्वाइंट किया है। तो हमने दो पीस ज्वाइंट करके दिखा दिया आप लोग को, देख सकते हैं आप लोग, और बहुत ही अच्छी जुड़ी है अच्छे तरीके से। तो एक के बाद एक हम ज्वाइंट करेंगे, इसी तरीके से पूरी पीसेस को ज्वाइंट कर लेना है और बेडशीट हमारी तैयार हो जाएगी। तो अच्छी तरीके से हमें ज्वाइंट कर लेना है और एक के बाद एक एक ज्वाइंट करते हुए जाना है। उसके बाद हम आप लोग को दिखाएंगे किस तरीके से हमें ज्वाइंट किया है। तो देख सकते हैं आप लोग, हमने सभी पीसेस को ज्वाइंट कर लिया। तो एक पीस, दो पीस, और ये तीन तीन पीस, और हमारे चार, और ये पाँच। तो पांच पट्टी को हमने ज्वाइंट कर लिया है पूरी डिज़ाइन में, और किनारे किनारे हम पट्टी लगा के आप लोग को दिखाएंगे और प्रेस करके दिखाएंगे डिज़ाइन को, और पट्टी को चारों तरफ पट्टी लगा लेंगे। उसके बाद दिखा दे रहेंगे आप लोग को किस तरीके से हमारी बेडशीट दिख रही है आप लोग को, आप लोग को कैसी लगेगी आप डिज़ाइन। तो देख सकते हैं आप लोग, हमने प्रेस कर लिया है डिज़ाइन को, अच्छी तरीके से बैठा लिया है, और हमने अच्छी तरीके से इसे प्रेस करके आप लोग को दिखा दिया किस तरीके से हमारी बेडशीट दिख रही है। और आप लोग देख सकते हैं हमने किनारे किनारे पे पट्टियों को लगा लिया है इस तरीके से, देख सकते हैं आप लोग, हमारा एक तरफ का इधर हो गया है और नीचे भी हमने इसी तरीके से लगाया है पट्टियों को, और हम इधर भी हमने लगा लिया है पट्टियों को किनारे किनारे पर। तो इस तरीके से चारों तरफ हमने पट्टियों को लगा लिया है और हमने कपड़े को प्रेस कर लिया, अच्छी तरीके से डिजाइन को बैठा लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं, आप लोग को ज़रूर अच्छी लगेगी डिज़ाइन, पसंद आएगी। तो आप लोग को हम बता दें कि बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम पीछे क्या लगाते हैं कपड़े के पीछे, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम पीछे क्या लगाते हैं, दिखाएंगे आप लोग को कि देख सकते हैं हमने जो कपड़ा लिया है पीछे लगाने के लिए, एक कलर का हमारा है। तो जितनी लंबी हमारी बेडशीट होती है ऊपर की, उतना ही हमें नीचे लेना होता है, और इसका हमने पिलो कवर भी बनाया है। तो इसकी वीडियो आप लोग को अगली वीडियो में देखने को मिलेगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से हमने पिलो कवर को बनाया है और गोटा पट्टी को किस तरीके से लगाया है, हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा दोस्तों हमारे पिलो कवर बनाने का तरीका। तो दोस्तों आप लोग को हमारी डिज़ाइन ज़रूर पसंद आई होगी और बनाने का तरीका भी बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों कैसी लगी हमारी डिज़ाइन आप लोग को, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग ने हमारी कटिंग तो पहले बहुत पहले ही देख लिया, स्टिचिंग आप दिखा रहे हैं तो इसके लिए सॉरी। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।